देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, साहब काशीराम ने पूरा जीवन लगाया, क्या कभी कोई उग्र आंदोलन किया? कोई साहब काशीराम की वजह से जेल गया? साहब काशीराम की वजह से किसी ने लाठियां खाई क्या? हमारा जो समाज है वो दबा कुचला और डरा हुआ समाज है ना, उसको समझाने के लिए आपको लोगों के लाठी डंडे नहीं खिलवाने, जेल में नहीं भिजवाना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मान लो आज उनकी पैरवी नहीं करेंगे लोग, ठीक है, तो वो लोग कहेंगे हमें जेलों में डलवा दिया, हमारी पैरवी नहीं हुई। अगर उनकी पैरवी करते हो तो फिर ये होगा तुम्हारा मिशन कहाँ गया, उससे आप भटक गए। और ये मनवादी सरकारें यही चाहती हैं, क्या आपका युवा डरा रहे, आपका युवा उग्र आंदोलन करे, आपका युवा जो है ना पिटता रहे, उसके ऊपर मुकदमे लगे, उसका भविष्य खराब हो जाए। तो हम पहली बात तो उग्र आंदोलन में भरोसा नहीं करते बिल्कुल भी, शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए था और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था 21 तारीख को, लेकिन कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन उनको तुगलकाबाद मंदिर तक ले गई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भावना है, समाज बेचारा जागृत नहीं है इतना, है ना, उनको जैसे मर्जी लोग बहका लेते हैं, लेकिन इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। जो हमारे जैसे लोग हैं ये समाज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों ने किया भी, ये अच्छी बात है, धरना अभी चल रहा है, बाहर बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने जगह ही बदल दी, उस समय जंतर मंतर से रामला मैदान ले गए, अगर लुटियन जोन में इनके कंफर्ट जोन में उस दिन वो भीड़ होती तो इनको पता चल जाता चूड़े और चमारों में शक्ति कितनी है, है ना, सारे वीआईपी का कंफर्ट जोन खत्म हो जाता। तो मंगल जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ना कोई नेशनल मीडिया थी वहाँ पर। ये तो मैं आप लोगों को थैंक्स करता हूँ, आप लोग जन जन तक अपनी बात पहुँचाते हो, हमारे लोग अगर हम कुछ भी है ना तो आप लोगों की वजह से है। एक बात बताइए ना, उग्र करना क्या समाज को आगे लेके जा पाएगा? नहीं नहीं, उग्र कभी भी जो है ना, आप एक चीज देखिए, उग्र आंदोलन अच्छी बात है, भगत सिंह ने फांसी तोड़ा गया भगत सिंह को, लेकिन भगत सिंह इस देश की आजादी नहीं देख पाए, है ना, और चंद गद्दार देश की राजनीति में बैठ गया करके, जिनकी वजह से भगत सिंह फांसी टूटा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आते हैं जाते हैं और गलत लोग उनका फायदा उठा लेते हैं, जो राजनीति के लोग हैं। भाई साहब देखिए, मैं बताऊँ आपको, ये जो संत है ना बेचारे, ये ज्यादा बड़े राजनीतिज्ञ हैं हमारे, है ना। समस्या ये है, इस देश में बहुजन समाज में सबसे बड़ा संत कोई हुआ ना तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी हुए, ठीक है। लोगों का लालच जो है ना उनको कहीं ना कहीं मजबूर करता है, फिर तोड़ता है। ये जो धरना है उसी दिन रामलीला मैदान में होना चाहिए था, है ना। इतना बड़ा जिगरा किसी में था तो साहब काशीराम में था, जब उनकी बात नहीं मानते थे वो वहीं बैठ जाते थे कि भाई बात मनवा के जाएंगे। तो ठीक है ये लोग जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, आपको ना धरने करने की जरूरत है, ना आपको प्रदर्शन करने की जरूरत है, ना आपको लाठी डंडे खाने की जरूरत है। इनके भगवानों को इनके घरों पे छोड़ा हो, लेकिन पकड़ो अपने भगवान, हमारा भगवान रविदास है, हमारा भगवान साहब काशीराम है, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं, है ना, भगवान वाल्मीकि जी हैं, इनके जितने इनको दिया हो, इनके मंदिरों में ना कुत्ते रोएंगे अगर हम लोगों ने जाना छोड़ दिया तो। आज प्रतिक्रिया कुछ और होनी चाहिए, हम लोग दोबारा ही ब्राह्मणवाद में ले जा रहे हैं समाज को, है ना। रामलीला मैदान में जो भीड़, दलित समाज एक बहुत भ्रमित है कि वो भी चंद्रशेखर ने बुलाई थी, पंजाब से देश के कोने कोने से जो लोग आए थे वो सारे भीम आर्मी के लोग थे, क्या कौन ये सही है? चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के रावण। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे संगठन आए, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, और जो मेरे ख्याल से दो ही आदमी जेल में बंद है उस संगठन के जिसका आप नाम ले रहे हो, और सारे निर्दोष लोग, एक एक आदमी के घर गए हम लोग, वो गाड़ियाँ दे रहे हैं उन लोगों को, ठीक है ना। जब उनके घर पे जाओगे ना, मजदूरी कर रहा है कोई, कोई बेचारा वेल्डिंग का काम कर रहा है, आज उनके परिवार भूखे बैठे हैं, कौन जिम्मेदार है? अच्छा संदीप वाल्मीकि जी, माननीय काशीराम साहब को लेकर एक संगठन और बीएसपी के बीच कुछ लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, और एक चैनल पर कल डिबेट हुई कि माननीय साहब के जो हत्या की जो जाँच है, उनकी हत्या हुई है, उनका मतलब उनका परिणाम नहीं हुआ था, उनकी हत्या हुई है और इसको लेकर जाँच होनी चाहिए, तो बीजेपी ने जाँच कराई है और इसमें दो एक संगठन और बीएसपी के बीच लकीर खींचने की कोशिश। आप एक बात तो ना जांच करवाओ लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की, सब लोगों को पता किसने करवाई थी, हमारे महापुरुषों को जानबूझ करके, ये जो आज जिंदा भी हैं उनको जानबूझ कर लीपने की कोशिश कर रहे हैं लोग, है ना। कोई जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी की तो जांच नहीं करवाएगा, उसकी हत्या कैसे हुई है सबको पता है, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है ना।
और अगर ये लोग इतने सच्चे होते तो सब कुछ आपके सामने है। कर ये सब बीएसपी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि बहन जी को कमजोर किया जाए और इस देश में हिंदुओं की सरकारें बनती रहे और दलित हिंदू पिटता रहे और मुसलमान पिटता रहे। ये सारी योजना इनकी और कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं इन बातों। सर आजकल आप जो है जो मूर्तियां उनको घरों से बाहर फेंक रहे हैं, सर इसमें क्या सब बुराई? ये आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बाहर नहीं फेंक रहे, जो लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए थे ना किराएदार, उनको कह रहे हैं हम मालिक हैं, अपने घर चले जाओ तुम लोग भाई, उनको लौटा रहे हैं, है ना। वो किराएदार थे, है ना, हमें पता चल गया हम मालिक हैं। अब हमारे महापुरुष बैठेंगे वहाँ पर, वहाँ वाल्मीकि भगवान बैठेंगे, रविदास महाराज बैठेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज बैठेंगे, फूले बैठेंगे, सावित्री बाई फूले बैठेंगे, ये लोग बैठेंगे। ये तो जब से हमारे घर में अज्ञानता का प्रचार और प्रसार हुआ। जनजागरण अभियान चलाएंगे क्या इसमें पूरे देश में? देखिए, ये जनजागरण अभियान चलाने की जिम्मेदारी पूरे देश के मूवमेंट के लोगों की है। और मैं तो कहता हूँ जो लोग आरोप लगाते हैं वो अपने घरों से कब निकालेंगे भगवानों को, है ना। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, एक बार आप व्यवस्था को छेड़ के तो देखो। मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे राजनीति करनी होती तो मैं 17 तारीख को इस्तीफा फेंक के नहीं मारता केजरीवाल के मुंह पे, ठीक है। और वही अरविंद केजरीवाल जो कहता 100 एकड़ जमीन दे देंगे हम लोग, ड्रामा करता उस हाउस में, ठीक है, उसी अरविंद केजरीवाल ने देवली पहाड़ी पे बाबा साहब से अंबेडकर की जमीन नाम से विद्यापीठ से उसको हड़पने का काम किया था, बाबा साहब का स्टेचू गिराने का काम किया था। ये सारे जो है ना जितने मनुवादी हैं, ये चाचे ताऊ के बच्चे, इनकी पार्टियां कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी, ये इनकी टूर्नामेंट बना खेलते हैं, अपने घर में ही बोल ले जाते हैं।